हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, अक्सर पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, फिर भले ही उन्होंने कोई गलती की हो या नहीं। कानून ने हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं, जिन्हें जानकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको, और वे वजह उन्हें परेशान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तब भी उसे कुछ अधिकार मिलते हैं। पुलिस इन अधिकारों को देने से मना नहीं कर सकती है। आज हम ऐसे ही कुछ अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि पुलिस थाने में लाए गए किसी भी व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, और पुलिस थाने में लाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकती है। CRPC आर्टिकल 130 के मुताबिक पुलिस बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो इसके लिए आप पुलिस से गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं और पुलिस को कारण बताना ही होगा। CRPC आर्टिकल 167 के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पुलिस को नज़दीकी न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करके थाने में लाती है तो उसको समय पर भोजन कराना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, और इसके लिए पुलिस को भत्ता भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अगर पुलिस किसी विचाराधीन बंदी को रिमांड पर लेती है तो 48 घंटे के भीतर पुलिस को रिमांड पर लिए गए व्यक्ति का मेडिकल चेकअप कराना आवश्यक होता है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना माना जाता है। परिवार वालों को गिरफ्तारी की सूचना देना पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आप अपने परिवार या किसी संबंधी को इसकी सूचना दे सकें। इसके लिए पुलिस आपको टेलीफोन मुहैया कराएगी। अगर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है तो लेटर से इसकी सूचना भिजवाने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की होती है, और यह अधिकार आम नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय से मिलता है। पुलिस किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत भारत की हर महिला को यह अधिकार मिलता है। CRPC 166A के तहत पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता है। यदि ऐसा वह करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। IPC धारा 498 के तहत कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 228 में बाइक पर 2 लोगों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यह गैर कानूनी नहीं होगा, और इन दोनों से पैदा होने वाला संतान भी गैर कानूनी नहीं होगा। इसके अलावा संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में भी हक मिलेगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।